Subscribe and click the bell icon for all the television updates. रूप ऑफेयर जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ यादें जो आप इस वक्त शेयर करना चाहेंगे? पहली बात तो ये पिछले 10 महीने कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला, क्योंकि बहुत बिजी था, बहुत हेक्टिक था, मतलब बहुत एनर्जी, बहुत डिमांडिंग शो था मेरे लिए। आई हैव डन 2 शोज प्रीवियसली ऑल्सो, बट इस शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अलग लेवल थी मेरे कंधों पर। टाइटल रोल निभाना, प्राइम टाइम स्लॉट और प्राइम टाइम चैनल की बात करें हम तो आई हैव गिवन माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स टू शो। बहुत मेहनत की मैंने और उससे मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होती तो मुझे लगता कि नहीं है, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट दिया हुआ है तो फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई रिग्रेट वाली बात रहनी चाहती है। हाँ, आप पूरी टीम को लेकर चल रहे हो, मेरे अकेले से कुछ है नहीं, पूरी टीम की वजह से शो है। तो जब टीम को मैं देखता हूँ कि जैसे खबर आई तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, वॉट एवर हैपन्स हैपन फॉर अ रीज़न एंड दैट रीज़न इज़ ऑलवेज बीन फॉर अ गुड। ये मेरे लाइफ का फिलॉसफी बहुत सही, शायद आपकी लाइफ में भी हुआ होगा। आपने पलट के देखेंगे इतिहास को तो लगेगा कि नहीं, जो चीज़ हुई थी उस टाइम के लिए नहीं हुई थी, लेकिन आगे जाके दैट्स कॉल्ड जर्नी, दैट्स कॉल्ड लाइफ। अच्छा, इसके बाद आने वाले किस शो में आप नज़र आ सकते हैं? शशांक, जब भी आप कोई शो चुनते हैं वो ज़्यादा करके एक ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक लड़की पे बेस नहीं होता, लड़का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे शो के नहीं, पर मेरा ऐसा कोई भेदभाव करने वाली बात नहीं, मैं सच में बताऊँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कि लड़का लड़की वाली बात है। बस मैं इंपॉर्टेंस देखता हूँ, डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर देखता हूँ और मेरे पास करने के लिए उसमें कुछ है कि नहीं, मतलब वो इट्स कॉल्ड सीमेंटेड स्टफ है कि नहीं, कुछ सब्सटेंशियल वर्क है कि नहीं मेरा। तो जहाँ लगे कि नहीं, दिल से हाँ आए, वही मैं शो करता हूँ। इसलिए आई टेक माई ओन स्वीट टाइम टू इन चूजिंग द शोज। लेकिन फिलहाल जैसे आपने पूछा कि अब कौन सा शो, ये वो 2-3 शो तो फ़ोन आ भी गए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। मतलब अभी तो मैंने 10 महीने से बहुत लेट मी ट्रैवल, हैव सम टाइम विथ माई फादर, अभी कुछ एक आधो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलना है, अभी इंडोनेशिया जाना है, तो वो जकार्ता में कुछ 7-8 दिन का ट्रिप रहेगा, तो वो सब कर एंड आई जस्ट फ्लो विद द विंड, यू नो, आई जस्ट फ्लो। ऐसा मैं कुछ नहीं कि मैं आई लव टू चेज माई ड्रीम्स एंड आई एम चेजिंग माई ड्रीम्स, बट ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है चल। शशांक, ये शादी के बारे में कह सकती हूँ कि किसी को पता नहीं चला, बहुत झटपट में ये शादी हो रही, क्या कहना चाहेंगे शरद की शादी के बारे में? झटपट हो रही मतलब और क्या होना चाहिए था, मतलब किसी को न्यूज़ में इतनी ज़्यादा खबरें छपी नहीं, शरद तो आपका नुकसान हो गया मतलब नहीं, मतलब देखो चीज़ हो रही है, उस पर हमारा तवज्जो होना चाहिए, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि चलिए एक स्टेबिलिटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, काम और फाइनेंस और बाकी चीज़ें तो सब आती जाती रहती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सही टाइम पर सही चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दिस थिंग हैपन टू शरद, और हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते ही थे, लेकिन वो जो चर्चाएँ हैं वो हम दोनों के बीच की हैं, सेम रूम की लाइफ को लेकर, तो अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। अच्छा, संगीत है, आज जमकर तैयारियां हुई होंगी, किस गाने पे आपके रखते हुए नजर आने वाले? नहीं, तैयारी तो क्या, मतलब मैं वही कह रहा था कि अभी जो गाना बज जाए, जब अपनों का साथ मिल जाए, जब शाम रंगीन हो जाए, तब अपने आप ही डांस निकलता है अंदर से, सोच के तो कुछ आए नहीं। अच्छा, कल की बात करूँ तो कल के लिए कितनी ज़्यादा तैयारियाँ अब तक हो चुकी हैं? अब एक यार, एक लड़के से सवाल पूछोगे तो क्या है, मतलब लड़की का ड्रेसिंग नहीं करते हैं, ऐसे क्या मैं जैसे कि मैम खोला, देखा, समझ में आया, ठीक है चलो पहना, निकलो। अभी मेरे ख्याल से ये मोस्टली लड़कियों पे सूट भी करता है, उनको करना भी चाहिए, श्रृंगार जो रस है वो है कि नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ, हम ना तो क्या है, चलो। अच्छा, लोग आपकी भी शादी का जम के इंतजार कर रहे हैं, तो शशांक, मैं हर बार जब आती यही सवाल पूछती हूँ, मुझे पता है ऐसा लगता है कभी आप हाँ बोल देंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की लड़की को आप चुनेंगे? नहीं, एक ये सवाल सब पूछने वाले आज के दिन तो यही होने वाला। हाँ, मतलब क्या अब आपको कैसा लड़का चाहिए, इनको कैसा लड़का चाहिए, इनको कैसी लड़की चाहिए, तो वैसे ही अपना है, थोड़ी कोई अपन को मतलब जुपिटर प्लूटो की लड़की चाहिए होती है ना, दूसरे प्लैनेट की थोड़ी चाहिए। समझदारी हो, घर परिवार लेकर चला।